मिली है। हाँ। जिस परिवार की खुशियों की नीलामी की है हमने, उसी परिवार का हिस्सा हमें पूछी। अखबार खानदान की बहू अजय की पत्नी राधा अग्रवाल। जिस शख्स की बदौलत ये जिंदगी मिली है मुझे, उसी शख्स ने मेरी इस जिंदगी को बेमानी बना दिया है। शौर्य जी,
मेरे ही परिवार की बर्बादी की तैयारी करते रहे और मैं उनके साथ होकर भी कुछ नहीं जान पाई, कुछ नहीं कर पाई अपनों के लिए, कुछ भी नहीं। एक तो राह आया है मेरी जिंदगी में जहां मुझे अपने परिवार की खुशियों और शौर्य जी के एहसानों में से किसी एक को चुनना है। फैसला मेरे लिए मुश्किल है लेकिन मैंने अपनी राह चुन ली है। मैं अपने परिवार का साथ दूंगी। शौर्य जी ने जो किया वो गलत था, यहां तक कि उनके अपने भाई शौर्य जी ने भी उनका साथ नहीं दिया। मैं भी सही का साथ दूंगी, बनूंगी मैं हर मुश्किल राह में अपने परिवार का सहारा। फिर वो राह चाहे शौर्य जी के खिलाफ ही क्यों ना, सोच रहा है क्यों इतना परेशान है? तो इंटरव्यू के लिए गया था ना, क्या हुआ? क्या नौकरी? नहीं, कोशिश कर रहा हूं, कुछ ना कुछ इंतजाम हो जाएगा वहां। आप परेशान हो तो ही है। परेशानियों का सामना तो तुम बच्चों को करना पड़ रहा है, घर की सारी जिम्मेदारी तुम बच्चों पर जा गई है। रवि भी परेशान रहता है, उसके पास जो पैसे थे वो खत्म होते जा रहे हैं। मुझे लगता है कि मुझे भी कोई नौकरी कर लेनी चाहिए ताकि थोड़े से पैसों का इंतजाम मैं भी कर सकूं। नहीं मां, मां ये क्या कह रही हैं? मां आप बहुत काम कर चुकी हैं, बस अब और नहीं। इतने बड़े घर को छोड़कर हम लोग यहाँ आए हैं, इस हालात पे जी रहे हैं, ये कोई आसान बात नहीं है मां। लेकिन फिर भी आप हम सबका ख्याल रख रही हैं। तकलीफें हैं लेकिन फिर भी आप हम सबको खुशियां देना चाहती हैं। इस वक्त को संभालने की जिम्मेदारी आप निभा रही हैं मॉम, आप अपने सारे फर्ज निभा रही हैं, है ना? आप हमें हिम्मत दे रही हैं और आपकी यही हिम्मत हमारा सबसे बड़ा सहारा है जो हमें बड़ी से बड़ी मुश्किल पार करने में हमारी मदद करेगा। अजय भैया, रवि भैया कोशिश कर रहे हैं ना, वक्त लगेगा लेकिन जॉब मिल जाएगी, जरूर मिलेगी। लेकिन आप मुझसे वादा कीजिए कि आप आइंदा से नौकरी करने की बात नहीं करें। लेकिन आप मुझसे वादा कीजिए कि आप आइंदा से नौकरी करने की बात नहीं करेंगी। आप चिंता मत कीजिए मॉम, सब ठीक हो जाएगा। अरे पगले, अपने बच्चों के लिए माँ की चिंता कभी खत्म नहीं होती। हर राह पर, हर मोड़ पर बच्चों की फिक्र लगी रहती है, कहीं कोई ठोकर ना लग जाए, कोई मुश्किल का सामना ना करना पड़े। और जिंदगी के जिस रास्ते पर हम चल पड़े हैं उस राह पर तो सिर्फ
कांटों का ही तो सहारा है हमारे पास। आप परेशान मत होइए मां, कोई ना कोई इंतजाम जरूर हो जाएगा। मैंने अपने एक दोस्त से बात की है, वो मुझे अपनी कंपनी में कोई ना कोई जगह जरूर दे देगा। बस उसी के फोन का इंतजार कर रहा हूं, देखते आगे क्या होता है। शौर्य जी की बातों से अग्रवाल खानदान के लिए उनकी नफरत का अंदाजा तो हो गया मुझे। अब उस घर में मेरा अपना परिवार नहीं बल्कि उस शख्स का राज है जिसने मुझे नई जिंदगी दी। कि मेरा अपना परिवार अपने उसी घर से बहुत दूर जा चुका है, बहुत दूर। लेकिन आज मैं एक बात जान गई हूं कि शौर्य जी उस खानदान को कभी माफ नहीं कर पाएंगे, कभी नहीं। कितनी अजीब बात है ना, जिस इंसान ने तुम्हें नई जिंदगी दी, हर मोड़ पर तुम्हारा साथ दिया, आज उसी इंसान से अपने परिवार के हक के लिए लड़ना पड़ेगा तुम्हें। जानती हूं संजू, लेकिन यही मेरे जीवन की सच्चाई है। शौर्य जी के बहुत एहसान है मुझ पर, मुझे और मेरे बच्चे को जीने की चाहत देने वाले भी वही थे। एक तरफ वो मुझे अजनबी का साथ दे रहे थे तो दूसरी ही तरफ मेरे परिवार को बेसहारा करने की तैयारी कर रहे थे वो। संजू, उन्होंने मेरे परिवार को इतना दर्द दिया है, क्या ना चाहकर भी उनके एहसानों को नजरअंदाज करना पड़ेगा मुझे। ये कभी सोच भी नहीं सकती थी कि इस नन्ही सी जान को जिंदगी देने वाला इंसान इतने लोगों की जिंदगी बर्बाद कर देगा। ऐसा तो मैंने कभी नहीं सोचा था संजू, कभी नहीं सोचा था। जिंदगी के रास्ते में अचानक कब कौन सा मोड़ आ जा रहा था कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता। चलो अब जो भी हो, लेकिन इन सब में अच्छा ये हुआ है कि शौर्य प्रताप को तुम्हारी हकीकत का पता चल गया। अग्रवाल फैमिली के लिए उसके मन में कितनी नफरत है इस बात का अंदाजा हो गया तुम्हें। चलो जो भी हो, लेकिन अब कम से कम हम शौर्य प्रताप से किसी मदद की उम्मीद तो नहीं करेंगे ना। बस किसी भी तरह हमें तुम्हारे परिवार को ढूंढना है, अग्रवाल फैमिली को ढूंढना है। लेकिन मेरी और मेरी बच्ची की जिंदगी का न्याय कौन करेगा? लॉर्ड, लॉर्ड, लॉर्ड,
जिंदगी हर पीछे अधूरी रह जाती है। जिस प्यार के सहारे जिंदगी के सपने बुने थे मैंने, जिसका हाथ थाम कर जिंदगी की खुशियां बसाना चाहता था मैं, वो प्यार तो मेरा कभी था ही नहीं। ये कैसा सच मेरे सामने आया है। अनामिका अजय की पत्नी। हंसी तेरी कहानी कहानी। राधा राधा, मुझे लगता है मुझे करण से मिलना चाहिए। करण को जरूर पता होगा कि अग्रवाल फैमिली कहाँ है। करण, तू मिलेगी करण से? हाँ राधा, मुझे करण से अपनी गलती की माफी मांगनी है। मेरी वजह से करण का प्यार उसे छिन गया। बस अब मैं पूरी कोशिश करूंगी कि जितना जल्दी हो सके मैं करण को उसका प्यार, उसकी तारा से वापस लौटा दूं। खेल भी कितना अजीब है ना। उस वक्त करण मेरे बिल्कुल सामने ही खड़ा था। उसे पहचान कर भी मैं नहीं पहचान पाई। उस वक्त मेरी जिंदगी के सारे यादें मिट चुके थे, लेकिन फिर भी मेरी मुलाकात मेरे अतीत से हुई। अपने गुजरे हुए कल को मैं तो नहीं पहचान पाई, लेकिन मेरे मन ने एक अजीब सा अपनापन महसूस किया था। कई सारे सवाल थे मेरे मन में, जिनका जवाब ढूंढने की हिम्मत मैं नहीं जुटा पाई। और आज भी मेरे जहन में अपने परिवार को लेकर कई सारे सवाल हैं, जिनका जवाब सिर्फ करण ही दे सकता है। संजू, सिर्फ करण। तुम बिल्कुल चिंता मत करो राधा, मैं करण से मिलने जाऊंगी और तुम्हारे परिवार वालों के बारे में हमें जल्द ही पता चल जाएगा। हाँ, बस मुझे अब कल सुबह का इंतजार है। फिर तुम्हारी मर्जी, तुम्हारे बहुत करीब हूँ।